एक शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है युवाओं के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। ये युवा शक्ति का ही कमाल है कि भारत का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, रोजगार, उद्यम, स्व उद्यम के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए नई योजनाएं चलाई हैं। युवाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए कौशल विकास योजना व स्किल इंडिया मिशन, नए उद्यमों की स्थापना के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना, देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया अभियान, रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना से करोड़ों युवाओं को जोड़ा जा रहा है। शारीरिक और मानसिक क्षमता के विकास के लिए फिट इंडिया मूवमेंट, योग के प्रति जागरूकता अभियान और खेलो इंडिया नीति के तहत देश में खेलों के प्रति प्रोत्साहन प्रारंभ हुआ। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का युवा दिशाहीन था। उनका आत्मविश्वास और सरकार के प्रति विश्वास खत्म हो रहा था। समाज में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही थी। सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार और माफिया का बोलबाला था। बेहतर शिक्षा और रोजगार की तलाश में युवाओं का पलायन हो रहा था। वर्ष 2017 में प्रदेश की बागडोर हाथ में लेने के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने युवा शक्ति को प्रोत्साहन और उनकी क्षमता से प्रदेश की तरक्की का रोड मैप तैयार किया। मुख्यमंत्री जी का मानना है कि प्रदेश के वर्तमान एवं भविष्य को उज्जवल बनाने में युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका है। उन्होंने युवा शक्ति को सही दिशा और लक्ष्य के साथ निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था दी, जिससे युवाओं का विश्वास लौटा और उनकी योग्यता को नई पहचान मिली। मिशन रोजगार से मात्र 4.5 साल में रिकॉर्ड 4.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर प्रदेश के विकास में भागीदार बनाने के लिए मिशन शक्ति के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार स्व उद्यम से जोड़ा तथा 1.5 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी दी गई। हर गांव में घर बैठे बैंक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 56,875 महिलाओं को बैंकिंग सखी के रूप में रोजगार मिला। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 2,68,000 कन्याओं का विवाह कराया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से 11,00,000 बेटियां लाभान्वित हो रही हैं। युवाओं के लिए कौशल विकास मिशन शुरू किया। उद्यम सारथी से प्रदेश में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। स्टार्टअप इकाइयों में नए अवसर सृजित कर रिकॉर्ड युवाओं को रोजगार से जोड़ा। स्थानीय कलाकारों और पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देते हुए यूपी के हुनर को एक नई पहचान दिलाने के लिए एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम आज लाखों युवाओं के रोजगार और हुनर को विश्व पटल तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। युवा कारीगरों को प्रशिक्षण एवं औजार उपलब्ध कराने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चलाई जा रही है। आज प्रदेश में शिक्षा, उद्यम और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अभ्युदय कोचिंग की शुरुआत की। रिकॉर्ड मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया। अब युवाओं को मेडिकल शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ता। प्रदेश में करोड़ों युवाओं को आधुनिक तकनीकों के साथ अपग्रेड करने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है, जिससे युवा इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ेगा और प्रदेश में डिजिटली विकास होगा। टैबलेट और स्मार्टफोन में प्रीलोडेड पाठ्यक्रम से उन्हें अध्ययन में लाभ मिलेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेश के 1 करोड़ प्रतिभावान युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार।